बोलिए मात अंबा भवानी की जय। राज राजेश्वरी मां दुर्गा भवानी की जय। भक्तों, मां की महिमा अकथनीय है, अवर्णनीय है। वह प्रेम का वो सागर है जिसमें जितना ही गोता लगाओ उतना कम है, और इसीलिए हमारे मनीषियों ने कहा, उन्होंने कहा कि हमें सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहिए। किसको? उस माँ जननी को, उस माँ को जिसने हमें जन्म दिया, जिसके कारण आज हम इस संसार के भीतर आनंद को, आनंद का अनुभव कर रहे हैं। और द्वितीय स्थान पर हमें आभार प्रकट करना चाहिए माँ प्रकृति का, जिसने इस जीवन को जीने के लिए हमें अपनी पावन पुनीत गोद प्रदान करी। अब भक्तों, आप सोचेंगे कि प्रकृति को माँ की उपमा क्यों दी गई? यह संबोधन हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने दिया, और उन्होंने ऐसा संबोधन इस प्रकृति को क्यों दिया? कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने इसके पीछे निहित हमारे मनीषियों की एक शुद्ध वैज्ञानिक सोच है, एक साइको साइंटिफिक अप्रोच। कहते हैं कि जब उन्होंने इस प्रकृति को पूजा, उन्होंने इस प्रकृति को अनेक तरीकों से इसका पूजन किया, भूमि पूजन, वन पूजन, कुआं पूजन और अनेकों धार्मिक अनुष्ठान व विधान किए। ऐसा करना मात्र उनका कोई अंधविश्वास नहीं था, परंतु वो जानते थे कि अगर ये मनुष्य जिस वस्तु को ये पूजता है, जो वस्तु इसके लिए पूजनीय है, यह उसका आसानी से क्षय नहीं करेगा। इसीलिए उन्होंने इस प्रकृति को माँ की संज्ञा दी, माँ की उपमा दी, इसको संबोधित किया माँ से। और उन्होंने कहा कि माता भूमि ही पुत्रो अहं पृथिव्याः, कि जिस प्रकार एक माँ अपने पुत्र का लालन पालन करती है, ठीक वैसे ही यह पृथ्वी भी, या माँ, ये माँ प्रकृति भी अपने संतानों का लालन पालन करती है। वृक्ष अपने तन को काटकर हमारे घरों के किवाड़ बनते हैं और हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। वहीं विभिन्न शाक फल हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और हमें परिपुष्ट बनाते हैं। ये जल, स्वच्छ जल, हमारे शरीर के भीतर अनेक ऐसी विषाक्त बीमारियों से निदान दिलाता है। वहीं स्वच्छ वायु, ऑक्सीजन, हमारे भीतर प्राण वायु का संचार करती है। और अगर इस शरीर को कहीं रोग लग जाए, ये रोग ग्रस्त हो जाए, तो यह प्रकृति औषधि बन हमारे शरीर से उस रोग को समाप्त करती है। इसलिए सज्जनों, हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषियों ने इस प्रकृति को माँ की उपमा दी, माँ की संज्ञा दी, और पुनः इस माँ प्रकृति को वरदान दे एक सुचारू ढंग से हम इस जीवन को जिए और जीवन जीने की कला को प्राप्त करें। और आज गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी इस ही ज्ञान को जन जन को प्रदान कर रहे हैं। और यह ज्ञान क्या है? यह है वो ब्रह्म ज्ञान जिसके द्वारा इंसान के भीतर विवेक का जागरण होता है,
वो विवेकहीन ना होकर के विवेक को जागृत करता है, और विवेक के जागरण के बाद ही एक मनुष्य स्वयं का जीवन तो सुधारता ही है, स्वयं के जीवन का, स्वयं का कल्याण तो करता ही है, परंतु साथ ही साथ वह संरक्षण करता है इस समस्त प्रकृति का। इसलिए सज्जनों, हमारे जीवन में भी ऐसे माँ की, ऐसे दुर्गा माँ की आवश्यकता है, ऐसे गुरु रूपी दुर्गा की आवश्यकता है, जो हमारे जीवन में हमें पुनः उन वेदों का पाठ कराए, पुनः उस ज्ञान से हमारे इस विवेकहीन हुई बुद्धि को विवेक प्रदान करे। और आइए, ऐसे ही एक भक्त ने अपनी रचना में लिखा, उसने जब यह सोचा, उस कवि ने, कि अगर ये संपूर्ण सृष्टि सुंदर हो जाए, पुनः ये वैसे ही चले जैसे ये प्रकृति सतयुग में थी, तो कैसा होगा। उसने कहा, उसने अपने शब्दों को लिपिबद्ध करते हुए कहा, नदियाँ भी सुंदर और समंदर भी सुंदर, और धरती के ऊपर का अंबर भी सुंदर। उसने कहा कि ये नदियाँ भी सुंदर हो जाएगी, ये धरती भी सुंदर, उसके ऊपर का अंबर भी सुंदर, ये चांद सितारे, ये संपूर्ण सृष्टि सुंदर, लेकिन सबसे सुंदर कौन? सबसे सुंदर कौन है? सबसे सुंदर है माँ, मेरी जगदम्बे माँ। और ऐसे ही कुछ भामों को हम श्रवण करते हैं। सदगुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य साध्वी सुश्री आस्था भारती जी से। नदियाँ भी सुंदर, समंदर भी सुंदर, 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 धरती के ऊपर का अंबर भी सुंदर, धरती के ऊपर का अंबर भी सुंदर, चंदा भी सुंदर, सितारे भी सुंदर, चंदा भी सुंदर, सितारे भी सुंदर, धरती के ऊपर का अंबर भी सुंदर, धरती के ऊपर का अंबर भी सुंदर। सबसे है सुंदर माँ हो, सबसे है सुंदर माँ हमारी जगदम्बे माँ, सबसे है।